चश्मा हो गया है, अब नहीं मिल रहा है पानी के अंदर। बहुत गंदी वाली बीटी हो गई यार। एक बार मेरे ग्लव्स पकड़, आ जा आगे, रुकते हैं, रुक जाओ। सो भाइयों, अभी ऐसा सीन है कि एक ट्रिप प्लान हो चुका है, पीछे मेरा सामान रेडी हो चुका है और बहुत ही छोटा ट्रिप होने वाला है, इसलिए मैंने सिंपल एक बैग रखा है, ये छोटा वाला हैंड बैग, और एक मैंने अपना टैंक बैग लगा रखा है अपनी बाइक के अंदर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड आपका होस्ट, आपका दोस्त एक्सप्लोरर सरांज। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये राइड हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये राइड पर मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश। तो मतलब हर महीने ना यार उत्तराखंड बुला ही लेता है, तो पहाड़ों की तरफ हम पहुंच ही जाते हैं। तो उत्तराखंड जा रहे हैं अभी हम, और किन लोगों के साथ जा रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ। तो बहुत सारे लोग होने वाले हैं, मतलब टोटल दो बाइक जाएगी और एक कार जाएगी। अभी राइडिंग जैकेट मैंने पीछे रख रखी है, आप देख सकते हो शाइन मार रही है एकदम बहुत ज़बरदस्त। और अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा जिसमें मैंने अपने हेलमेट पे पेंट करा है, तो जाके वो देखो, वो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, देख लो मैं, ठीक है, जहाँ भी आ रहा हूँ। हेलमेट आपको दिखाता हूँ, बहुत साफ है, तो ये आप हेलमेट देख सकते हो पूरा, इसको मैंने मैट ब्लैक कर दिया है और खुद ही घर पे करा, और वो आप देख सकते हो कैसे आप एक नॉर्मल हेलमेट को बना सकते हो AGV हेलमेट। तो अभी ऐसे करते हैं, आपको थोड़ी देर मिलता हूँ मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे, जब तक रेडी हो जाते हैं फटाफट, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एक नंबर, हम आ चुके हैं अपने मोटो व्लॉगिंग वाले सेटअप पे, और जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं हूँ जनकपुरी में, और मैंने अपने राइडिंग गेयर्स पहन रखे हैं, अगेन स्टील बोर्ड के मेरे पे ग्लव्स हैं, प्रो बाइकर्स के मेरे पास लेग गार्ड्स हैं, जैकेट मेरे पास सील्स की है। तो ये सब की वीडियोज़ ना पर्टिकुलर मेरे चैनल पे डली हुई है, तो यार मेरे चैनल पे एक बार जाओ ना यार, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लोर करो मेरे चैनल को भी, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ DND टोल बूथ, वहीं पे मिलेंगे अपने सारे भाई लोग। तो बस निकल चुके हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, नेविगेशन के अराउंड 40 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। भाइयों अभी अपन तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने भाई लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अपने इंस्टाग्राम पे नई नई रील्स डाल रहे हैं, तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करा तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, explorer_सरांज। तो अभी अपने भाई लोग आ रहे हैं, फिर आपको भी उन भाई लोगों से मिल रहा। ये भाई हो आ गए अपने भाई लोग, ये आ गया भाई रवि, आ गया रवि, हेलो राइडर, ये आ गया भाई साहिल हमारा भाई, बढ़िया बढ़िया। सो ये रहा भाई शेखर, हेलो, ये है हमारी आस्था, और ये है रश्मि, हाय हेलो, ये आ रहा है। इतनी लेट इसको बोला था कि भाई टाइम से निकलना है, उसके बाद भी इतनी लेट आ रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया था, क्यों क्या हो गया था? चालान मास्क। Few moments later. तो अभी बहुत गंदी वाली बीटी हो गई यार, भाई लोग गाड़ी में आ रहे हैं, इनको मास्क की वजह से चलान हो गया 500 रुपए का। फिर उसके थोड़ी देर बाद आए, अभी हमें बस ये खुशखबरी मिली थी कि इनका चलान कट गया, कि थोड़ी देर बाद पीछे से एक PCR और आती है। हम सब एक मीटिंग पॉइंट बनाया था कि यहाँ पे हम सब मिलेंगे, वहाँ पे बस हम मिलते ही हैं और पीछे से देखते हैं कि PCR आती है और कहती है क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े हुए भाई साहब। उन्होंने भी भाई पीछे पड़ गए, वो कहते हैं नंबर दो, अपना ID कार्ड दिखाओ, मतलब ना यार मेन पैसे खाने के लिए, सीधी सीधी बात बोलो तो। तो उन लोगों ने ना मतलब हमें जाने नहीं दिया भाई वहाँ से, वहाँ पे वो कह रहे थे कि नहीं कुछ देखो अब बताओ क्या करना है, मतलब इनडायरेक्टली करना क्या है अब ये बताओ। फिर थक हार के फिर हमें 500 रुपये देने ही पड़े यार, मतलब क्या कर सकते, अगर नहीं देते ना तो वो मतलब ज़बरदस्ती कर रहे थे कि आपकी बाइक ये कर देंगे, टो कर देंगे। और मैंने इसलिए ना अपना कैमरा बंद रख रखा था कि उनको अगर पता लगता ना कैमरा है तो भाई वो कुछ भी कर सकते थे उस टाइम, तो इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते थे। इसी वजह से हमने कहा यार 500 रुपये दो यार, बात ख़त्म करो, क्यों बात बढ़ानी आगे, भाई रुकना नहीं, अब सीधा सीधा चलेंगे। तो अभी लग गई है भूख और हम रुकेंगे शिवा ढाबे पे। ये रही अपने भाई लोग, ये रहा एक भाई हमारा। Few moments later. चलो भाइयों डिनर हो गया है। तो भाइयों अभी आलू पराठा वगैरह हमने खा लिए हैं, पेट भर गया है पूरा फुल। इस बार हमारा प्लान है कि ऋषिकेश में वो जगह जाएंगे जहाँ पे हम अभी तक नहीं गए हैं, आने वाले जो ट्रैवल होने वाले ना भाई ऋषिकेश पहुँच के भाई अल्टीमेट। और जब आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ जाते हो ना तो मज़ा भाई दुगना हो जाता है, दुगना। भाइयों ये आ गई है अमरपुर घाट,
जो कि लास्ट टाइम आपको अंधेरे में दिखाई थी, इस बार उजाले में देख लो। और नीचे से व्यू भाई गजब। पानी भी कितना सुंदर है ना। सुंदर है, कितना सुंदर है, साफ। कोई देखेगा ये हेलमेट पहन के नीचे जा रहा है। साहिल तो कैमरामैन लग रहा है। योगा कैपिटल बोलते हैं ना ऋषिकेश को। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग योगा भी कर रहे थे। तो अमरापुर घाट है ये। जब आप हरिद्वार में एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले ये घाट ही दिखेगी और उसके बाद आगे जाएंगे। अब आपको ब्रिज दिखाता हूँ और शिव जी की बड़ी सी मूर्ति दिखाता हूँ। तो ये है हरिद्वार और आप देख सकते हो ऊपर है शिव जी की मूर्ति और नीचे आराम से पानी बह रहा है भाई साहब बहुत तेज। और पानी का लेवल देख सकते हो कहाँ तक पहुँच गए। कैसा लगा ब्रो? मजा आ गया ब्रो। कैसा लगा ब्रो? महादेव, महादेव। ये पता क्या था, कह रहा मैं भी कुछ डाल दूँ बीच में। जगह कैसी लगी? जगह भाई जगह है। कैसी जगह है? एक नंबर। अरे कैसी है जगह? आज जो रखा है मौसम एकदम गजब, मतलब मजा आ गया भाई। मौसम देख सकते हो एकदम बारिश वाला मौसम है। बारिश आ जाती है ना तो भाई मजा ही अलग हो जाएगा। और एकदम ठंडक ठंडक हो रही है, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। राइडिंग जैकेट पहन रखी है उसके बाद भी गर्मी तो बिल्कुल नहीं लग रही भाई। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद और रस्तों का मजा लो। अब ले सकते हो भाई रस्तों का मजा, रात में तो क्या ही मजा था। क्या अल्टीमेट मौसम है यार, मजा आ गया भाई। पहाड़ शुरू हो गए, इसकी खुशी अंत है भाई, अंत लेवल। मेन चीज बता दूं कि भाइयों हमारा ये बहुत इंस्टेंट प्लान था। हमने कुछ प्लान नहीं करा, कोई होटल बुक नहीं करे, कोई कैंपिंग बुक नहीं करे। हमें नहीं पता कि भाई हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, हमें गाड़ी में सोना पड़ेगा या नहीं। तो अभी बहुत अनप्लान्ड है, वहीं जाके देखेंगे तपवन में, शायद हमें कुछ मिल जाए। अपने को ऑफलाइन ही ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन तो यार सब बुक दिखा रहा है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था ईद की वजह से, तो इस वजह से सब बुक है। ओए ओए गजब, ये है ना भाई गजब। ये राम झूला है, लक्ष्मण झूला नहीं है। तो भाइयों फाइनली हमने अपना रूम ले लिया है देव पैलेस, जो कि तपवन की माल रोड पे ही है। एक ही बेड पे सारे घुसे पड़े हैं, मौसम भाई एक नंबर है। और एक ये डेड बॉडी इधर पड़ी है। पर प्लान ये है कि थोड़ी देर से जल्दी से फटाफट से सो जाते हैं और उसके फटाफट से उठ के बाहर आउटिंग के लिए चलते हैं, देखते हैं कौन सी लोकेशन है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब तक सो जाते हैं। जब अपना भाड़ी खड़े हुए थे सस्पेंशन पे शिव जी की मूर्ति सारे कहते जय बोले जय शिव जी की, ये पता क्या होता है एकदम से देख, पहले देखा पहले सोचता रहा बहुत देर तक, तो मैं भी कुछ बोलता हरे महादेव। ये अपना भैया भाई खाने पे फोकस कर रहा है, मैं भी ब्लॉग में आ जाऊँ, मेरा भी कुछ पार्ट ले ले। अभी आप देख सकते हो अपन ने कॉस्ट्यूम चेंज कर ली है, ये देखो सब कच्छों में आ चुके हैं। और अभी क्या प्लान है भाई, कहाँ जा रहे हैं? नीर वाटरफॉल जा रहे हैं। नीर वाटरफॉल, तो भाइयों अभी हम जा रहे हैं नीर वाटरफॉल, पूरी तैयारी कर ली है। आई होप फिंगर क्रॉस वहाँ पे अच्छा खासा हमें पानी देखने को मिले, अगर नहीं मिला तो हमारे कच्चे बेकार हो जाएंगे। और हम इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं भाई, हाथ में टॉवल लेके जा रहे हैं। तो एक गाड़ी जा रही है, दो बाइकें जा रही है, जैसे हम आए थे वैसे जा रही है, लेकिन इस बार हेलमेट नहीं पहनेंगे, मास्क भी नहीं पहनेंगे, तो जल्दी से जाते हैं। हेलमेट और मास्क हमेशा पहनना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। वो को बोल भी कौन रहा है, देखो इसने मास्क पहना है, हेलमेट पहना है इसने। इस बार बाइक पे चलने वाला है हमारे साथ शेखर भाई, तो अभी देखते हैं अपनी ब्लैक पैंथर का क्या हाल है। ठीक है, राइडर हो रहे हैं अपनी ब्लैक पैंथर। और ये रही आगे शिवम भाई की स्विफ्ट, वो कुछ क्यों हो रही है देखो, थोड़ी बोल रहे हमने दो फुल पावर। सो भाइयों यही रास्ता है, ये देखो इधर आप देख सकते हो बोर्ड पे शायद आपको दिख रहा हो नीर वाटरफॉल का, और ये एकदम स्टीप है ऊपर जाता है नीर वाटरफॉल पे। भाई लोग हमारे सीधा सीधा गाइस,
हम लोग जा रहे हैं टिकट लेते हैं। तो ये है टिकट काउंटर, इस पे आप देख सकते हो इंडियंस की फीस 30 रुपीज, चाइल्ड 5 से 10 साल 20 रुपये, फॉरनर 50। ये रही टिकट और हम 7 लोग हैं तो टोटल 30 रुपये की थी, तो फिर 7 बंदे के हिसाब से हो गए 210। भाई भीड़ देख यार कितनी खतरनाक है। बहुत भाई, बहुत क्राउड आ रखा है आज। भाई पार्किंग के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? लेट्स सी ब्रो। आओ जहाँ जगह है तो अभी बस ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। ट्रैकिंग वाला फील, हम प्रॉपर एकदम खुले खुले कपड़ों में आ गए। यहाँ पे थोड़े से लूज कपड़े पहन के आओ तभी फायदा, वरना तो आप पछताओगे बाद में। नीर वाटरफॉल में क्या है कि ना आपको जगह जगह छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिखेंगे। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था ये बीच में वाटरफॉल आता है, वहीं पर रुक गए थे क्योंकि हम थक गए थे, हमसे ऊपर नहीं चला जाएगा। इस बार हमारा प्लान है एकदम टॉप तक जाएंगे और वहाँ से इंजॉय लेने वाले हैं। अभी तो बहुत ऊपर जाना है, खत्म मुंह गंदा। मेन दिक्कत है यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, ऑफ रोडिंग है पूरी प्रॉपर। अरे हाँ ढोल हुआ पब्लिक। यहाँ तक आए तो भाई ऊपर तक बिल्कुल थकान नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। बस आंखों से आंसू आ रहे हैं, बस सर से पसीने आ रहे हैं, सब गीला हो चुका है। हर 5 मिनट बाद रेस्ट नहीं होता। चलो जय जवान जय किसान, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितना दूर है गैस? बस आ गया यार कुछ 15 मिनट और ये हम लास्ट 15 मिनट से ये बोल रहे हैं। पहुंच नहीं पाए अभी तक भाई, इस बार पहुंच जाएंगे भाई। एक 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 दौड़ में लाओ, चल लो ये 3-4 ये। अच्छा 15 मिनट का रास्ता हो रहा है ना? ना ना भाई 15 मिनट कम, ज़्यादा कम। आमा गाची गाची बूबू कच्चा बादाम, आमा गाची गाची बूबू कच्चा बादाम, कच्चा बादाम कच्चा पका बादाम, कच्चा बादाम कच्चा पका बादाम, तो भाइयों इस बार फाइनली नीर वाटरफॉल हमने कंप्लीट करा और ये है सबसे ऊपर जो टॉप पे है। अभी बस हमारा प्लान है फटाफट से कुछ खाते वाते हैं और उसके बाद चलते हैं पानी के अंदर और सारी थकान मिटाते हैं। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। पहला कौन रख रहा पैदा कदम? अंदर घुसते पानी के अंदर, 1 2 3 नहीं मिल रहा है पानी के अंदर और हमने इधर पानी में बहुत कोशिश कर ली और बाकी लोगों से हेल्प मांगी, बहुत कोशिश करी सबने, नहीं मिल रहा, मैंने भी बहुत ढूंढा नहीं मिला। सो भाइयों अभी चश्मा खो के अब आप देख सकते हो नया लुक, भाई चश्मा तो नहीं मिला, कुछ नहीं होता यार, अब एंजॉय करेंगे और मैगी खाएंगे बढ़िया तरीके से। एकदम मस्त टाइम स्पेंड करा यहाँ पे, तो आ रहे हो ऋषिकेश तो नीर वाटरफॉल जरूर आना और ट्रैक करते हुए बिल्कुल मत थकना क्योंकि ऊपर आके सारी थकान मिटने वाली है। बहुत सुंदर। और हमने कितने मजे करे, बहुत फन, बहुत ओ भाई एक नंबर। तो वैसे करते हैं, चश्मा तो हमारा पानी के अंदर ही रह गया, अब नीचे चलते हैं, धीरे धीरे जाएंगे। तो भाइयों अभी नीचे उतर गए हैं और सबसे बढ़िया बात ये थी कि मैं हमेशा अपने साथ में 2 चश्मे रखता हूँ, चश्मे वाले बंदे को तो रखने भी चाहिए। तो अभी मेरे पास चश्मा है नहीं, तो भाई शेखर भाई अभी मेरे को नीचे तक लेके चलेंगे अपने होटल तक और वहाँ से मैं अपना चश्मा पिक करूँगा और फिर वापस आते हैं हम अपने लुक के अंदर। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो ताकि मैं ऐसे ट्रैवल ब्लॉग्स और लेके आता रहूँ और आपको भी वीडियोज़ देखने में मज़ा आए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बोले तो एक नंबर। यो अभी गर्मी मिटाने के लिए अपन क्या खाएंगे? कुल्फी बोलते हैं इसको, आइसक्रीम, आइसक्रीम ही है वो भी। मुंह गंदा हो गया इसका।
तो सबसे मेन बात भाई, शेखर भाई का चश्मा ले लिया है, थोड़ा कैसा लग रहा है एकदम बता देना यार। नहीं लग रहा अच्छा। मेरा वाले पहन लूं? मेरा वाले लेके आओ। भाई लोग खड़े हुए हैं भाई, व्यू देखोगे पीछे का, ये देखो अल्टीमेट व्यू भाई। फाइनली हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट। आरती शुरू होती है 6 बजे से 7 बजे तक और अब शायद खत्म हो गई होगी, तो अभी आरती चल रही है, देखते हैं जल्दी से। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है और सारे भाई लोग इधर देख सकते हो आप डेड हो चुके हैं। और आज का दिन बहुत बढ़िया था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सो दिस साइड एक्सप्लोरर्स साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले ट्रैवल व्लॉग में।